नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहानागंज विकास खंड के भुवना गांव के विकलांग दंपत परिवार संघ डीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल की सूचना जब वालाधिकारियों को हुई तो SDM सदर राघवेंद्र सिंह, CEO लीला मारन जी, नगर कोतवाल के गुप्ता, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और दंपति से मामले की जानकारी ली। तो वही अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद भी विकलांग दंपत धरने से नहीं उठ रहे थे। मौके पर पहुंचे शहर के तेज तर्रार कोतवाल के गुप्ता ने पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे विकलांग दंपत को समझाया और बिस्किट और पानी पिलाकर उनकी और बच्चों की भूख हड़ताल को समाप्त कराया और आश्वासन दिया कि प्रशासन आपके साथ न्याय होगा, आप लोग घर जाइए। मीडिया से हुई बातचीत में भूख हड़ताल पर बैठी संजू भारती ने बताया कि हमारे नाम से कोटे का प्रस्ताव बना था, लेकिन हमारे नाम की जगह किसी और का नाम अंकित कर हमारे प्रस्ताव को ब्लॉक अधिकारियों द्वारा अमान्य कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि कोटे की दुकान हमारे नाम से आवंटित की जाए और दोषियों की जाँच कराकर कार्रवाई की जाए। वही SDM सदर ने मीडिया को बताया कि हमारे पास दो प्रस्ताव आए थे, हम दोनों की जाँच कराकर जो सही होगा उसके नाम से कोटे की दुकान आवंटित करेंगे और दोषियों पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। संजू भारती, कहाँ की रहने वाली है? वाना। क्या समस्या है? समस्या ऐसा यही कि हमारे नाम से कोटे का प्रस्ताव बना था, जो कि हमारे नाम की जगह किसी और का नाम अंकित करके हमारे प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा। हम उसके लिए ये चाहते हैं कि हमारा प्रस्ताव या तो हमारा हो या तो कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी जाँच करवाई जाए। आज आप लोग धरने बैठे थे भूख हड़ताल की, क्या सुनवाई है? सुनवाई ये आई है कि आपका हो जाएगा। कौन आया था? BDO साहब आए थे, SDM साहब भी आए थे। तो क्या बोले? वो बोले कि आप लोग जाइए, आपका हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इस संबंध में हमारे यहाँ दो प्रस्ताव आए, एक प्रस्ताव ब्लॉक की तरफ से आए, एक अन्य व्यक्ति साहब हमारे प्रस्ताव, क्योंकि एक ही गांव के लिए दो प्रस्ताव आए थे, तो ऐसी दशा में पुनः ब्लॉक को जांच के लिए भेजा गया कौन सा प्रस्ताव सही है कौन सा गलत है। तो ब्लॉक में ये बताया गया कि वहां पर जो कार्रवाई रजिस्टर है वो गिर गया है, उसकी FIR दर्ज की गई, इसलिए सत्यापन नहीं किया जा सकता कि कौन सा प्रस्ताव सही है। इस दशा में नए दुकान के प्रस्ताव के लिए पुनः बैठक कराए जाने का निर्णय लिया गया। उसमें एक पक्ष जिसके द्वारा प्रारंभ में एप्लीकेशन दिया गया था, उसका ये कहना है कि मेरे पक्ष में दुकान इलाज कराया गया, समझाया गया कि आपको जो शिकायत है उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। इनका कहना है कि जो अधिकारी जांच करने गए वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसपे क्या कहना? इसकी भी इस जो आरोप है उसकी भी जांच करा ली है, इस बार ADO पंचायत स्तर से न करा कर BDO स्तर से जांच करा। बता जा रहा था कि जो फाइल थी वो भी गायब, बता रहा है जो अधिकारी है उनके पास फाइल बता रही गायब हो गई है। ये पूर्व में रिपोर्ट आई थी कि उनके द्वारा जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसकी भी जांच हो जाएगी, इस तथ्य की उनके द्वारा सिर्फ एप्लीकेशन दिया गया है, वहाँ पे कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हो। किस आश्वासन द्वारा इनकी धरना समाप्त कराया गया? इनको आश्वासन दिया गया कि जो भी शिकायतें हैं या जो भी कर्मचारी ने इनके साथ गलत किया है, दूसरा जो आरोप है, उनके तथ्यों की जाँच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई।